नमस्कार, अनुज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिर्च वड़ा। उसके लिए हमने ये भावनगरी मिर्ची ली है, 6-7 मिर्चे हैं। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। 1.5 चम्मच हमने धनिया जीरे का पाउडर लिया है। ये हमने 1 चम्मच सौंफ ली है, जिसे हमने दरदरा कूट के रखा है। ये 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये 1/2 से भी कम चम्मच हमने हल्दी पाउडर ली है। ये 1/2 चम्मच हमने अजवाइन का लिया है। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ली है। ये 5 छोटे उबले हुए आलू है, जिसे हमने छिल के रखे हैं। 2 कप बेसन का आटा है। ये हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। 2 हरी मिर्च है बारीक कटे हुए, और बारीक कटा हुआ अदरक है, और ये तेल है तलने के लिए। मिर्च वड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बेसन का घोल बनाना है, तो हम इसमें पहले पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके लीजिए आप। एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, इसका गाढ़ा सा घोल बनाना है हमें। जैसे चिकना घोल हो गया है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक लेंगे या अजवाइन है, इसे हम हाथों से थोड़ा मसल कर डालेंगे। ये लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। इन सबको मिला देंगे हम। अब हम ज़रूरत पड़े तो बाद में इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए बाजू में रखेंगे ढक के। अब हम मिर्च में भरने वाला आलू का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए पहले हम आलूओं को मैश करके लेंगे। ये आलू मैश हो चुके हैं हमारे। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। 1/2 स्वाद अनुसार नमक। ये सौंफ पाउडर है। ये 1/2 चम्मच चाट मसाला। ये धनिया जीरे का पाउडर। ये गरम मसाला। हल्दी पाउडर। ये हमने मिर्च बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये अदरक बारीक कटा हुआ। ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये अच्छी तरह से हमने इसे मिलाया है सब मसालों के साथ। ये आलू का मसाला तैयार है। अब हम मिर्ची को काट लेंगे। इस प्रकार मिर्ची को डंठल की साइड से हमें एक कट लगाना है, और इसे होलो करना है। देखिए, ऐसे जो बीज है उसे हमें निकालना है। आप चाहे तो बीज रख सकते हैं, लेकिन मैं निकाल रही हूँ। इस प्रकार हाथों से आप बीज है निकाल सकते हैं। थोड़े बीज रह भी जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सब मिर्चें ऐसे ही काट लेंगे। अब ये सब मिर्चों के बीज हमने हटा दिए हैं। अब हम इसमें आलू का मसाला जो तैयार किया है वो स्टफ करेंगे। इसे मैं हाथ से ही इसमें भर रही हूँ। इसे अच्छे तरह से फेल कीजिए। दबा के अच्छे तरह से मिर्ची को भर लीजिए। ऐसे ही सब मिर्चों को हम भर लेंगे। मैंने इसमें हींग नहीं डाला है, और ना ही मैं इसमें सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर हींग और सोडा यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सब मिर्चे में बैटर भर दिया है। यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। अब ये बैटर हमने जो 10 मिनट बाजू में रखा था
उसे देखते हैं। ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमें ये प्योरिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये देखिए ऐसा प्योरिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट करेंगे, फेंट लेंगे। ये इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है अब हमने। आप चाहे तो इसमें सोडा ऐड कर सकते हैं, तेल देखते गरम हो गया, तेल में एक बूंद डाल के देखते हैं हम। तेल गरम हो चुका है हमारा, अब हम एक एक मिर्ची लेंगे, उसको डीप करेंगे इसमें। और ये गैस को मीडियम पे रखा है, इसे हल्का सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए सुनहरे हो गए हैं, अब हम इसे निकाल देते हैं। अब जो बचे सेकेंड लॉट हम डाल देते हैं। हो चुके हैं, गैस को बंद करते हैं। इसे हम अब टिश्यू पेपर पे निकालते हैं।